ही सवाल बरकरार है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बाड़मेर से खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रियंका चौधरी पर टिप्पणी करने के कारण लोगों ने मंत्री से अपना मुंह मोड़ लिया है। जिले में बीजेपी के लिए प्रचार करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं मंत्री, और जिले भर में मंत्री कैलाश चौधरी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बाड़मेर के इतिहास में पहली बार स्थानीय सांसद और मंत्री का ऐसा विरोध देखा जा रहा है। प्रियंका चौधरी पर की गई टिप्पणी उन्हें भारी पड़ रही है। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ जो इस वक्त विरोध की लहर नजर आ रही है, वो ये दर्शाती है कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करना बाड़मेर में आसान नहीं होगा। जिले भर में मंत्री कैलाश चौधरी का खूब विरोध हो रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में जब एक स्थानीय सांसद का इतना विरोध हो रहा हो, एक केंद्रीय मंत्री लेवल के व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा हो। और एक विडंबना ये है कि कैलाश चौधरी वही हैं जिनके अंडर में एक कमेटी बनी थी, और जिनकी अगुवाई में एक ऐसी कमेटी बनाई थी बीजेपी ने जो कि विरोध को शांत करने का काम करेगी। लेकिन विरोध को शांत करने का जिम्मा पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का जिस व्यक्ति के कंधों पर था, कैलाश चौधरी, वही कैलाश चौधरी इस वक्त सबसे बड़ा विरोध झेल रहे हैं अपने ही जिले में, जहां से जिस संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो लोकसभा में करते हैं। और भूपेश आचार्य मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भूपेश, कैलाश चौधरी की अगुवाई में एक ऐसी कमेटी का गठन हुआ जो कि ये ध्यान रखेगी कि 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के अपने कार्यकर्ता कहीं विरोध न कर दें, तो विरोध को शांत करने का जिम्मा जिस व्यक्ति के कंधों पर, इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन उसी व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है, इस विडंबना को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इस विडंबना को बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस बाड़मेर विधानसभा सीट की बात की जाए तो जब से चुनाव 1952 से लेकर अब तक के जो चुनाव हुए, तो बीजेपी मात्र एक बार इस सीट पे विजय हासिल कर पाई है। पिछले तीन बार से लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सीट, क्योंकि जिला मुख्यालय की सीट तो अपने आप में वैसे महत्वपूर्ण हो जाती, तो प्रतिष्ठा का विषय था। इस सीट को लेके आखिरी दौर तक कसों कस का दौर जारी रहा, सारी चीजें रही, लेकिन उसके बावजूद पार्टी संगठन द्वारा टिकट को बदल के या जो भी इनकी रणनीति थी उसके तहत एक टिकट दी गई, लेकिन उस टिकट को मिलने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी ने जो मैदान में ताल ठोक रखी है, उसके बाद किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं, ना ही बीजेपी के जो स्थानीय स्तर के नेता है उनसे बात करने की तैयारी। अलबत्ता इस बात को ऐसा कहा जाए, नामांकन की रैली में जो बीजेपी के प्रत्याशी जिसको बाड़मेर विधानसभा टिकट दी गई, वहां लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया, वहां लोगों को काले झंडे दिखाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, इवन पोस्टर बैनर फाड़े गए। अब स्थिति दिन ब दिन इतनी गंभीर होती जा रही है कि जब तक कोई प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व या केंद्र का कोई नेतृत्व इसमें दखल नहीं देगा, तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति यहाँ बहुत बुरी से भूपेश होने वाली है। एकदम कम शब्दों में बताइएगा कि विरोध करने वाले हैं कौन, एकदम कम शब्दों में? बिल्कुल, विरोध करने वाले बीजेपी के बागी कार्यकर्ता ही हैं, बीजेपी के बागी नेता ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश इस जानकारी के लिए।